नए वित्त वर्ष के साथ ही निवेश रिव्यू करने का सही वक्त, कैसे करें पोर्टफोलियो में बदलाव का फैसला। डिविडेंड पे आउट पर लगेगा टैक्स, नियमित आय के लिए क्या करें निवेशक। टैक्स प्लानिंग करने का सही वक्त, योर मनी पर जाने टैक्स बचत के गुर। नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है जैसा कि हम सभी जानते हैं, और लागू हो गए हैं वो तमाम अहम बदलाव जिनका इस साल के बजट में ऐलान किया गया था। यानी एलटीसीजी टैक्स से लेकर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बाद नए सिरे से आर्थिक रणनीति बनाने का मौका है। तो साथ ही बाजार में उतार चढ़ाव का दौर भी कायम है, तो ऐसे में पोर्टफोलियो रिव्यू और रिस्क के हिसाब से बदलाव करने का सही वक्त आ गया है। तो निवेश के हर पहलू पर तैयारी करवाने के लिए हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, स्वागत है आपका। सर, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरुआत हो गया है, तो हर एक निवेशक को चिंता सताने लगती है कि किस तरह से सही दिशा में अपनी आर्थिक प्लानिंग की जाए ताकि उनका निवेश जो है एक बेहतरीन दिशा की तरफ बढ़ता जाए। तो क्या लगता है, रिव्यू करने के हिसाब से अच्छा वक्त है, और क्या कुछ चैलेंजेस हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि निवेशकों को बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं, बहुत अच्छा फायदा हुआ है, लेकिन किस तरह से एक रणनीति और स्ट्रैटेजी तैयार की जाए? श्रोता, देखिए, ऐसे रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है प्रोसेस है। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो शुरुआत और वहां पे खत्म नहीं होता, वो शुरुआत होती है। आपका टाइम होराइजन है, कभी आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कभी 5 साल के लिए, कभी 10 साल के लिए, तो वो तो शुरुआत है। और ये पूरा दौर जो चलता है उसके दौरान आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है, एक तो रिव्यू कैसे करूं और दूसरा उसको कब करूं। फाइनेंशियल ईयर की जो आपने बात की बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है साल में एक बार पोर्टफोलियो, उस हिसाब से पूरा पोर्टफोलियो देखने के लिए बिल्कुल सही मौका होता है। अब इश्यू यह कि हम उसमें डिसिप्लिन कैसे लेके आए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब दिल किएगा हम उसकी रिव्यू करना शुरू कर देंगे। तो फाइनेंशियल ईयर की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप एक रूल बना लेते हैं कि हर साल जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, शुरुआत में हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक वहां पर डिसिप्लिन आ गया। हर साल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक और इंपॉर्टेंस है, इससे कुछ दिन पहले बजट आता है, उसमें टैक्सेशन में चेंज हो सकते हैं, जो भी बदलाव हो सकते हैं उसके हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट लिंक प्रोडक्ट में, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट लिंक प्रोडक्ट में, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो उसमें इक्विटी फंड्स हो या डेट फंड्स हो, उनमें काफी बदलाव आते हैं, क्योंकि आपकी एज एन इन्वेस्टर जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि जैसा मैंने कहा आपका टाइम होराइजन है मान लीजिए 10 साल। शुरुआत से लेकर 10 साल में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपको, वो चैलेंजेस को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, उसमें आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेते हो, गलत डिसीजन नहीं लेते हो जिससे आपको फाइनेंशियली आगे जाके नुकसान हो। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने टाइम होराइजन के दौरान जो चैलेंजेस हैं उनको, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इक्विटी मार्केट में हमने देखा गिराव है, हमने देखा कि डेट फंड जो है उनमें भी रिटर्न्स में काफी कम हो गए हैं, तो ये चैलेंजेस हैं इन्वेस्टर के लिए। यहां पे अगर आपने कुछ गलत डिसीजन लिया तो वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए गलत हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है साल में एक बार पूरे तरीके से पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, और नए साल के शुरुआत करने में क्या है फायदा कि आप टैक्सेशन एंगल, बजट में जो भी चीज है वो भी आप अपने कंसीडर करके अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हो। चलिए, बहुत सही तरीके से आपने बताया कि किस तरह से एक सही दिशा में एक निवेशक जो है वो बढ़ सकता है, और क्या कुछ फायदे जो हैं वो तमाम आपको मिल सकते हैं अगर आप अपने निवेश का जो भी टारगेट है उसको हासिल करना चाहते हैं। सर, एक और चीज है, कई बार हम बात करते हैं पोर्टफोलियो के बारे में, कई बार हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो की समीक्षा वक्त वक्त पर करनी चाहिए, एक बैलेंस जो है वो हमें बरकरार रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन एक फ्रेश निवेशक जो है कई बार उसकी समझ कम पड़ जाती है कि इसको रीबैलेंस कैसे किया जाए, तो कितना क्रूशियल हो जाता है इस रीबैलेंसिंग को बरकरार रखना आपके पोर्टफोलियो में, किस तरह से समझा जाए और किस तरह से किया जाए ताकि आपका निवेश एक सही दिशा में बढ़ता जाए? देखिए, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत अच्छे से प्लानिंग करके अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, जो एक सही तरीका है। जब आप पैसा करते हैं तो आपको पता है कि आपने इक्विटी में पैसा डाला तो लंबे समय के लिए डाला, मीडियम टर्म में डाला तो हाइब्रिड में डाला, शॉर्ट टर्म के लिए डाला तो आपने डेट में डाला। तो आपको जब रास्ते में कोई उतार चढ़ाव मिलता है या चेंजेस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे पड़ता है, लेकिन उसका असर आप पे इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको पता है आपके पास कितना समय है। दूसरे तरह के इन्वेस्टर वो होते हैं जो बिना कुछ ज्यादा प्लान के इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। जैसे किसी ने कहा कि इक्विटी मार्केट अच्छी करे तो इक्विटी फंड में डाल दिया, डेट में अच्छा करे तो डेट में डाल दिया, और ये नहीं देखा कि शॉर्ट टर्म पैसा है लॉन्ग टर्म पैसा है। जब तक मान लीजिए आपने इक्विटी फंड में पैसा डाला, पिछले 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे थे आपको,
आपको कहीं लगा नहीं कि आपका जो फैसला है वो गलत है, क्योंकि आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे थे। जब आपने अब 10 या 11% का करेक्शन देखा, तब आपको लगा कि मेरे पोर्टफोलियो में गिरावट दिखी, और उस पोर्टफोलियो में भी कुछ फंड बहुत ज्यादा गिरे, कुछ फंड कम गिरे। क्यों? क्योंकि मिड कैप ज्यादा गिरे, स्मॉल कैप ज्यादा गिरे, लार्ज कैप कम गिरे। जब आप उस चैलेंज को सामने फेस करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि शायद मैंने कुछ तो किया जो सही नहीं था। तो मुझे लगता है अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं तो ये समय है कि आप देखें कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है, आपका कितना पैसा इक्विटी में है, कितना पैसा डेट में है, और किस तरह के ऑप्शंस में है, और उसमें बदलाव करने की जरूरत है या नहीं। बहुत जरूरत है। अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा डेट है, इक्विटी में आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो ये समय है। बाजार नीचे है, हो सकता है इससे ज्यादा और गिरे, लेकिन वो बॉटम तो आप कैच नहीं कर पाएंगे, तो ये समय है। थोड़ा सा इक्विटी में लगाइए। पोर्टफोलियो को अगर ज्यादा एग्रेसिव बनाया था, मान लीजिए मिड कैप में, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा डाल दिया क्योंकि उन फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो उसको ठीक कीजिए। तो आई थिंक ये रीबैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, देखिए कभी कभी हम कैसे रिएक्शन करते हैं कि मार्केट गिरा और हमने पैसा इक्विटी से निकाल लिया, डेट में चले गए। जब मार्केट ऊपर गया, हमें उसका फायदा नहीं मिला क्योंकि हम तो ऑलरेडी इक्विटी से बाहर निकल गए। रीबैलेंसिंग का फायदा क्या होता है? उस एसेट क्लास में बने रहेंगे, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हो। आपका एक्सपोजर 60-70% था, आपने उसको कम करके 50 कर दिया। या आपका एक्सपोजर 20% था, आपने उसको बढ़ा के 40 कर दिया। जब भी दोनों बाजार, डेट मार्केट सुधरेगा, इक्विटी मार्केट सुधरेगा, आपको उसका फायदा होगा क्योंकि आप एसेट क्लास में बने हुए। इसलिए पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना है, किसी भी एसेट क्लास से बाहर निकलना नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इन्वेस्टर जो है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करे। और वो जैसा मैंने कहा, साल में एक बार करने का फायदा शगुफ्ता एक और होता है कि आप टैक्स के एंगल से, मान लीजिए एक साल कंप्लीट हो गया तो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फंड में एग्जिट लोड होता है एक साल का, वो भी निकल जाएगा। तो साल में एक बार करें, और अगर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में करें तो काफी अच्छा है। चलिए, सर टैक्स सेविंग की भी मैं बात करूंगी आगे, लेकिन एक सवाल है जो एज इन्वेस्टर मैं भी आपसे जानना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि कई लोग किसी के सुझाव पर या मिडिलमैन के सुझाव पर इक्विटी में पैसे डाल देते हैं, कुछ लोग डेट में अपना इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यही सोच, यही समझदारी आपको उस लेवल पर जाकर आएगी जब आपको कोई सुझाव देता है, समझ वो देता है कि आपको इस तरह से निवेश करना चाहिए, किसी की सूझबूझ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई मिडिलमैन बीच में होना चाहिए, या फिर मार्केट को मद्देनजर रखते हुए कुछ तरह की घबराहट जो है इन्वेस्टर्स को होने लगती है कि ये वक्त आ गया है, यहां से एग्जिट कर देना चाहिए, तो वो सही वक्त होता है या फिर क्या किया जाए सिचुएशन? देखिए, हम पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यस, हम सब कुछ करते हैं वो जो हमें करना चाहिए। मतलब मैं सही तरीके की बात कर रहा हूं कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। यस, जब पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो थोड़ी सी मेहनत वहां भी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा पैसा डिजर्व करता है कि उसको हम थोड़ा समय दें। जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। शुरुआत में मेरा ये मानना है कि आप किसी एडवाइजर की सलाह लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको फीस देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली 1% मान लीजिए आपने दे दिया, आधा परसेंट फीस दे दिया, या ब्रोकरेज दे दिया, आप रेगुलर प्लान में आए, उसका बहुत ज्यादा नुकसान आपको नहीं होता, क्योंकि आप इक्विटी में जाओगे नहीं जब तक कोई आपको कन्विंस नहीं करेगा, या जाओगे तो गलत तरीके से जाओगे और पैसा गवाओगे। तो उससे बेहतर तो यह कि आधा परसेंट या 1% आप फीस दे दीजिए, आगे जाके जब आपको लगे कि मुझे समझ में आ गई, अब मैं कर सकता हूं, तो फिर सोच लीजिए उसके बारे में। वो ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आपको कोई ज्यादा मालूम नहीं है, सिर्फ सुन के या किसी की बातों में आके इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं हम, और ये समझना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मान लीजिए आपने किसी एडवाइजर की सलाह भी ली, तो भी आप उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक एडवाइजर है तो अभी उनका काम है, मेरा कुछ काम ही नहीं है। आप उनसे बात करेंगे, आप उनसे सवाल पूछेंगे, आप उनके साथ बैठ के समझेंगे क्यों हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने आपको 5 स्कीम रिकमेंड की और आपने एक एनालिसिस देखा और देखा कि मेरे 5 फंड में तो कोई भी नहीं है इसके अंदर, तो आप एडवाइजर से पूछेंगे कि भाई मेरे फंड क्यों नहीं है, तो या तो उनके पास जवाब होना चाहिए क्यों नहीं है, या फिर आपको समझ में आ गया कि ये एडवाइजर जो है मेरे लिए अपने लिए काम कर रहा है। आई थिंक ये एक लर्निंग प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। एक दिन में नहीं सीख सकते हो, जल्दी में नहीं सीख सकते हो, आपको पार्टिसिपेट करना है। और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, जैसा मैंने पहले कहा, कि आपकी मेहनत की कमाई है और आपके सारे ड्रीम्स एस्पिरेशंस इसी पैसे से जुड़े हैं। इसको थोड़ा सा समय दीजिए, और अगर लगे तो थोड़ा फीस देनी पड़े तो दे दीजिए, क्योंकि उससे आपके फ्यूचर के लिए बहुत फायदा होगा। बहुत अच्छी सीख दी है सर आपने कि पैसा आपका है तो सोच समझ कर ही निवेश इसको करना चाहिए, ताकि आपके टारगेट जो है उसको आप आसानी से पा सकें। लेकिन सर, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत जो हो गई है, एक चिंता जो है इससे पहले ही निवेशकों को घेर लेती है, और वो चिंता है टैक्स सेविंग किस तरह से की जाए। तो ये सही वक्त है कि हम पारंपरिक जो भी तरीके हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, एनएससी हो गया, और 5 साल के लिए एफडीज के पार जाकर सोचा जाए, ताकि निवेश और भी बेहतर हो जाए और टैक्स सेविंग भी बेहतर हो जाए? जी बिल्कुल। आई थिंक पहली बात तो यह कि सोचना जरूरी है। काफी लोग तो सोचते नहीं इसके बारे में। वो आखिर में अगर हम सैलरीड क्लास हैं और जब हमें इंटीमेशन आता है कि अगले 15 दिन में प्रूफ देना है आपको, तो आप जैसे कैसे भी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, और हम दो चीजों के लिए स्ट्रगल करते हैं। एक तो लमसम पैसा कहां से आए, दूसरा ये करें कहां।
तो हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनके पास 30, 40, 50 इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं. किसी ने कहा इंश्योरेंस ले लीजिए तो वो जाके ले लिया. तो आई थिंक जब आप साल के शुरुआत में प्लान करते हो आपको पता रहता है कि आपके पास समय है. और जैसे बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे लगता है समय आ गया. अगर किसी भी इन्वेस्टर को इक्विटी इन्वेस्टमेंट को समझना है तो मुझे लगता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो है म्यूचुअल फंड की बहुत ही अच्छी ऑप्शन है. एक तो उसमें 3 साल का लॉक इन है, तो आप अगर चाहे भी तो निकल नहीं सकते, तो आपको समझ में आता है कि 3 साल में इक्विटी बिहेव कैसे करता है. दूसरा, आपको टैक्स सेविंग मिल रही है. तो अगर आपने थोड़ा सा देखा भी कि आपका पैसा नीचे गिरा है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान उसमें डर लगता नहीं है. और तीसरी बात यह कि हम देख रहे हैं कि एफडी में रिटर्न कितना मिल रहा है, 7% मिल रहा है, वो भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है उसके अंदर. पीपीएफ एक अच्छी ऑप्शन है, डेफिनेटली आपको टैक्स फ्री मिलता है उसके अंदर रिटर्न. लेकिन उसमें भी मुझे लगता है थोड़ा सा कमी करने की जरूरत है. अगर आपका सारा पैसा पीपीएफ में जा रहा है, थोड़ा पैसा आप निकाल के एलएसएस जैसी ऑप्शन में दीजिए. पहली बात आप समझेंगे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती क्या है. दूसरी, आपकी जो रिटर्न है टैक्स जो सेविंग पोर्टफोलियो पे वो यहां पे सुधरेगी. तीसरी बात, ये जो ऑप्शन है इसका जो लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ 3 साल है, दूसरे ऑप्शन के कंपेरिजन में ये थोड़ा कम है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है समय आ गया कि थोड़ा प्लान कीजिए. और अगर आप एलएसएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शुरुआत से कीजिए, एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कीजिए, तो आपका जो डर है उतार चढ़ाव का वो भी टैकल हो जाएगा. एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जब आप अप्रैल से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो 3 साल का लॉक इन आपका उस इन्वेस्टमेंट पे अप्रैल से शुरू हो जाएगा. तो जब तक आपने 1 साल कंप्लीट किया तब तक पहली इंस्टॉलमेंट का आपका 1 साल का लॉक इन ऑलरेडी खत्म हो चुका है. तो आई थिंक बहुत सारे फायदे हैं प्लान करने के लिए, ऑप्शन को चेंज करने के लिए, और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनाइए. उसको अलग मत रखिए, उसको हिस्सा बनाइए. मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, ईएलएसएस उसके अंदर बिल्कुल फिट बैठता है. तो आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी रिटर्न मिलेगी, आपकी टैक्स सेविंग की जो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो हो जाएगी. यानी रिटर्न और रिस्क में बैलेंस बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी निवेशक के लिए. जी बिल्कुल. कहते हैं सर कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनमें निवेश करना या फिर डेट फंड्स जिन्हें हम बोलते हैं वो किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जो मौजूदा निवेशक हैं वो किस तरह से निवेश की स्ट्रैटेजी को प्लान करें? देखिए, डेट फंड में हमने पिछले 1 साल में काफी वोलेटिलिटी देखी है. क्योंकि जो यील्ड्स थी बॉन्ड की वो तकरीबन 1% बढ़ गई थी, और रिसेंटली जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि उनकी जो बोरिंग थोड़ी कम होगी तो यील्ड थोड़ा सा कम आई है. लेकिन अभी भी अगर आप 1 साल का रिटर्न देखें, जो ड्यूरेशन फंड है या जो डायनेमिक बॉन्ड फंड है, 4 या 5% का रिटर्न है. तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को लगता है कि क्या हमने बॉन्ड फंड में डाल के सही किया. हमें यह नहीं बोलना है कि ये जो बॉन्ड फंड है ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, इन्वर्स रिलेशनशिप है उनका इंटरेस्ट रेट से. यानी जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस खराब होती है, जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है. इसका मतलब यह है कि जो भी हिस्सा आपका डेट फंड में जाता है डेट पोर्टफोलियो का, वो आप ये समझ के डालिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका टाइम होराइजन कितना है. मुझे लगता है आज के समय में अगर आपको पैसा डालना है 2-3 साल के लिए तो जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स हैं उसमें डालिए. रिसेंटली सेबी ने स्कीम्स को रैशनलाइज किया, डेट फंड के अंदर 16 कैटेगरी बनाई है. और सबसे उसका फायदा क्या है, हर जो कैटेगरी है उसमें डिफाइन किया गया. उसमें आपको पता चलेगा कि ये स्कीम जो है 1 महीने से 6 महीने के इंस्ट्रूमेंट में डालेगी. अगर आपका टाइम होराइजन वही है तो आप उससे मैच कीजिए, उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए. तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करना आसान हो गया है. थोड़ा सा ये समय पे जो ड्यूरेशन फंड है, जो एग्रेसिव फंड है लॉन्ग टर्म वाले, उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए. बट मेरा ये मानना है कि डेट फंड की जगह है आपके पोर्टफोलियो में. एक और ऑप्शन यहां आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जो इक्विटी लिंक से इक्विटी जो सेविंग जो स्कीम्स होती हैं या जो बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, इनमें क्या इक्विटी के अंदर एक्सपोजर बहुत कम होता है, 20 या 25%, आर्बिट्राज जो डेट के अंदर, तीनों को मिला के अगर आप डालें तो मुझे लगता है आपको डेट फंड से बेहतर रिटर्न मिल सकता है. चलिए, चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी. फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि डिविडेंड पे आउट पर लगेगा टैक्स और नियमित आय के लिए क्या करें निवेशक, ये बताएंगे ब्रेक के बाद. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद. और जैसे कि हमने पहले बताया कि वित्त वर्ष के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए उस पर चर्चा हमारी लगातार जारी है. इक्विटी म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पर 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, लागू है. तो इस लिहाज से क्या डिविडेंड पे आउट से निकल जाना चाहिए, क्या ये सही वक्त है? और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात भी मैं करूंगी, उस पर भी 10% टैक्स लगेगा. देखिए, बजट में यह कहा गया था कि जितने भी इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम जो है उनके अंदर जो डिविडेंड पहले मिलता था वो टैक्स फ्री हुआ करता था, अब उनके ऊपर 10% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा 1 अप्रैल के बाद. बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लेते हैं. तो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज यह है, हर इन्वेस्टर को यह देखना है कि हमने डिविडेंड पे आउट क्यों लिया.
पहले जब डिविडेंड टैक्स फ्री था, काफी इन्वेस्टर्स ने डिविडेंड इसलिए लिया था सोच के कि चलिए टैक्स फ्री डिविडेंड मिल रहा है तो आने दीजिए पैसा, बाद में सोचेंगे क्या करना है, और नहीं लगेगा तो वापस इन्वेस्ट कर देंगे। आई थिंक पहली बात तो उन इन्वेस्टर को यह सोचना है कि डिविडेंड पे आउट की जरूरत है कि नहीं है। अगर वो आपको डिविडेंड नहीं लगता है तो आप डेफिनेटली वो पैसा जो है आप ग्रोथ ऑप्शन में चले जाइए, क्योंकि फिर क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है आगे, तो उसका जो आपको कम से कम जो इमीडिएट आपको जो टैक्स लग रहा है वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं कि डिविडेंड आपको चाहिए ही, तो मुझे लगता है दो तरह के लोग होंगे यहां पे। एक जो पहले ग्रोथ ऑप्शन में थे, उनको अगर अभी डिविडेंड चाहिए तो डिविडेंड ऑप्शन में जाने की बजाय एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ले लीजिए, क्योंकि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है कि जो ऑलरेडी आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन चुका है वहां पे आप फंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हर महीने मुझे 10,000 या 15,000 का आप रिडम्पशन करके मुझे दे दीजिए। इसमें क्या होगा, जो कैपिटल गेन पोर्शन होगा बहुत कम होगा, और क्योंकि कैपिटल गेन जो हमने बात की वो पहला 1,00,000 जो है वो टैक्स फ्री है, तो काफी सारे इन्वेस्टर छोटे इन्वेस्टर हैं उनका जो मुझे लगता है कैपिटल गेन उसके अंदर आ जाएगा। अगर उससे बाहर गया भी तो खाली 1,00,000 के ऊपर ही आपको टैक्स पे करना है। अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर आपको मान लीजिए 3,00,000 का डिविडेंड मिलता है अभी, तो आपको 10% टैक्स देना, 30,000 रुपये आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। यही चीज अगर आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से अगर आप निकालते हैं और मान लीजिए उसमें कैपिटल गेन 1,00,000 है और 2,00,000 आपका पैसा वापस आया, तो 1,00,000 टैक्स फ्री है, तो आपने 30,000 रुपये बचा लिए। अगर मान लीजिए आपका कैपिटल गेन 1,50,000 रुपये है, तो आपको सिर्फ 50,000 रुपये यानी 5,000 रुपये टैक्स पे करना है, तो आपने 25,000 बचा लिए। तो एक इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये कि जो ऑलरेडी डिविडेंड पे आउट में है वो ग्रोथ में नहीं है, उनको डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड बचाए कैसे? अगर वो एक साल के लिए मैनेज कर पाए, एक साल अगर वो ग्रोथ ऑप्शन में जाके उसके बाद अगर जैसे मैंने कहा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करें, तो फिर से वो अपने टैक्स को यहां पे बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले उनको दो चीज देखनी पड़ेगी, ये कि एक तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना हो क्योंकि उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, और उसके ऊपर कोई एग्जिट लोड ना हो। तो ये दो चीजों को देख लें, उसके बाद बदलाव करें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने जैसे पहले आपको कहा कि 31 जनवरी का जो आपकी वैल्यूएशन थी वो आपकी रिवाइज कॉस्ट है, अभी उसके ऊपर ही आपको कैपिटल गेन लगेगा। तो ये सोच के कि अभी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी मुझे लगता है इक्विटी का जो पोटेंशियल है वो आपके पोर्टफोलियो के बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये जान के कि 10% टैक्स लगेगा, इक्विटी से दूर मत जाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इसका जो टैक्स है बाकी जो ऑप्शन है उनसे अभी भी कम है। सर, जैसे एसआईपी की बात तो आपने कर ही दी है, अक्सर ये देखा गया है कि एक निवेशक जो है एसआईपी में निवेश की शुरुआत करता है लेकिन वॉलेटाइल पीरियड में थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, तो अपनी आमदनी बढ़ने के साथ एसआईपी में निवेश को हम नहीं बढ़ा पाते हैं या बढ़ाना चाहिए, तो ये स्ट्रैटेजी किस तरह से अनुशासनात्मक तरीके से फॉलो करनी चाहिए ताकि दोनों पहलू जो है वो कवर हो जाए? आई थिंक दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने ये देखा है कि एसआईपी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। एक तो आपका डिसिप्लिन आता है, दूसरा आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है। काफी बार हमने देखा कि अगर आप डिफाइंड टाइम होराइजन यानी ये सोच के नहीं चले कितने साल के लिए, तो आपको तकलीफ होती है, पैसा वहां से निकल जाते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा जब भी आप फैसला लें ये समझ के लें कि कितने साल के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। एक तो वो कर लिया। दूसरा हमने देखा बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो डिविडेंड अपना एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करते हैं लेकिन उस पैसे को बढ़ाते नहीं है। मेरा ये मानना है कि हर साल जब आपकी इनकम बढ़ती है तो एटलीस्ट 20-30% जो पैसा है वो आप इन्वेस्टमेंट में डालें, और एसआईपी जो है उसका सबसे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कुछ ऐसे गोल्स होंगे जहां पे आपको पैसा लगाना है लेकिन पहले आपके पास पैसा नहीं था, जहां जहां पे आपका गैप है, जितना लगाना है उससे कम पैसा था, उसमें आप ऐड करते जाइए। तो दो डिसिप्लिन रखिए, कुछ भी हो मार्केट में अपने एसआईपी की इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए, दूसरा हर साल जो भी आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती है उसका एटलीस्ट 30% जो आप लॉन्ग टर्म में लगा पाएं वो पैसा आप इक्विटी फंड या बैलेंस फंड में लगाइए, ताकि सही मायने में एसआईपी का फायदा, आपने एसआईपी तो की लेकिन उतनी नहीं कि जितनी आप कर सकते थे, तो आपको उसका सही तरीके से फायदा नहीं हुआ। ये दो चीज करेंगे तो मुझे लगता है एसआईपी के अमाउंट छोटे छोटे अमाउंट से जितना भी बड़ा टारगेट होगा अगर आपने सही समय दिया उसको तो वो आप कोई भी गोल हो वो आप पूरा कर पाएंगे। चलिए, योर मनी पर फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे करें पोर्टफोलियो में बदलाव का फैसला और फंड से निकलने का निर्णय कब लेना चाहिए। तो नए वित्तीय वर्ष पर किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सोच समझकर करें ताकि उसका फायदा आपको आने वाले वक्त में मिले, उस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। सर, अब आ जाते हैं अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को वक्त वक्त पर देखते रहना आपके पोर्टफोलियो एनालिसिस का बहुत अहम हिस्सा माना जाता है, तो किस तरह से इंश्योर किया जाए कि एक निवेशक के पोर्टफोलियो में ये फंड्स बने रहें या ये सही वक्त आ गया है इनसे एग्जिट करने का?
आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, मॉनिटरिंग जो है पोर्टफोलियो की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो सही दिशा में चलता रहे। जैसा इन्वेस्टमेंट करना बहुत, जैसा हम बोलते हैं सोच समझ के कीजिए, प्लान करके कीजिए, वैसे मॉनिटरिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और उसको भी सोच समझ के करना है। मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि आप देख रहे हैं कि जिन फंड में आपने इन्वेस्ट किया वो फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, यानी इन परफॉर्मेंस को आपको मेजर करना है। साल में एक बार करने का फायदा, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो ये होता है कि आप टैक्सेशन में देख सकते हो, एग्जिट लोड वगैरह देख सकते हो। उसको देखने के दो तरीके हैं, आप ये देखें कैसे कि आपके जो फंड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। दो चीजें देखते हैं, हर फंड का एक बेंचमार्क रहता है, उस फंड ने बेंचमार्क के सामने कैसा रिटर्न दिया, दूसरा उस कैटेगरी की जो बाकी फंड्स हैं उनकी एवरेज रिटर्न के सामने आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया। ऐसा हो सकता है कि आपने मान लीजिए किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया और उसका रिटर्न मान लीजिए 12% है और मार्केट का रिटर्न 10% है, तो आपको लगेगा कि मेरे फंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन जब मैं एवरेज देखूं तो पता चला कि वहां 15% है, तो तब मुझे समझ में आया कि मेरे फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको सही दिशा में देखें। दूसरी बात, हर फंड का ऐसा दौर आएगा जब उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी पहले थी। उसका कारण यह है कि इक्विटी मार्केट में पैसा जो है एक सेट ऑफ सेक्टर से दूसरे सेट ऑफ सेक्टर में मूव करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका पोर्टफोलियो खराब हो गया। आपको यह समझना है कि इक्विटी में आप एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखेंगे कि 6% का रिटर्न है, मेरे एफडी से भी कम है। जब आप वो देखेंगे तो आपको निराशा होगी। आपको ये देखना है कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया, उसके मुकाबले में आपके फंड ने कैसा बिहेव किया। मान लीजिए मार्केट 5% डाउन और आपका फंड जो है 5% प्लस है, तो आपका जो फंड मैनेजर है उसने आपको 10% का एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दिया। तो आई थिंक रिलेटिव परफॉर्मेंस को देखिए, ना कि एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस को। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जो कमिटमेंट है, जो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, तो वो इक्विटी एज एन एसेट क्लास से है, ना कि फंड से। अगर जरूरत पड़े, मान लीजिए एक साल तक फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो फंड से निकल जाइए, हमेशा के लिए बने मत रहिए, लेकिन बहुत जल्दी में भी अपना पैसा मत निकालिए, क्योंकि ऐसा होगा कि जल्दबाजी में आप किसी अच्छे फंड से निकल जाएंगे तो भी आपके पोर्टफोलियो के लिए वो ठीक नहीं है। चलिए सर, इस पूरी बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको भी अगर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन, टैक्स प्लानिंग या कोई भी आर्थिक उलझन है तो योर मनी को अपना सवाल भेज सकते हैं। आप हमसे mf@moneycontrol.com पर ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। मुझे भी इजाजत दीजिए, नमस्कार।